नमस्कार, मैं हूं विराट शर्मा, आप देख रहे हैं भोजपुरी में फिर डिजिटल मीडिया। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री तनुश्री जी। आज मैं आया हूं धारा 2 के सेट पे, तो करते हैं कुछ इस फिल्म से रिलेटेड बातें। तनु जी, ऑडियंस को क्या बोलेंगे? सबसे पहले भोजपुरी महफिल देखने को मेरा प्रणाम। और धारा 2 के सेट पे हैं आप और फिल्म कर रहे हैं, तो धारा 2 का कैसा कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली ये ना भाइयों की कहानी है। एक फैमिली से दो भाई है, अगली फैमिली से दो भाई है, तो टोटल चार भाइयों की कहानी है। तो उसमें चार भाई हैं, उसमें से किसके साथ आप किसके साथ? मेरा वो रितेश जी है। अच्छा, रितेश जी है। तो ये फिल्म कब तक रिलीज होने वाली है, कब तक दर्शक देख पाएंगे? मैं इसके लिए अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि फिलहाल जो ये हम लोग शूट कर रहे हैं, इसके बाद जो डबिंग होता है, मिक्सिंग होता है, कलर कॉम्बिनेशन का होता है, उसके बाद जाके रिलीज होगा। सो आई विल से दैट बिटवीन 6 मंथ मे बी यू कैन सी दिस फिल्म। अच्छा अच्छा, फिर अभी ये धारा 2 आ रहा है आपका, इसके बाद भी कौन बहुत सारी पिक्चरें आने वाली हैं, तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आप जरा बताइए। एक्चुअली अभी जो हम लोग जिस सेट पे हैं वो है धारा 2, इसके बाद आएगी मेरी रंगीला, और उसके बाद भी काफी लाइनअप में है। बीच में मैं अभी थोड़ा सा केरला का एक फिल्म कर रही हूँ मलयालम, तो उधर थोड़ी सी मैं बिजी हूँ साउथ इंडस्ट्री में। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर आके फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, भोजपुरी सब डायरेक्ट अब साउथ में चली हैं। हाँ, मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपने 13 साल की उम्र में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब मैं गुजराती करती थी, तो गुजराती से फिर मैंने मराठी की, मारवाड़ी भी की, अभी भोजपुरी कर रही हूँ, एक दो फिल्में नेपाली की, बंगाली की, तो अभी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं साउथ में करूँ। अच्छा, आपने 13 साल की उम्र में ही यस जो कदम होता है वो आपने रखा था भोजपुरी इंडस्ट्री में या कोई भी नेपाली या बंगाली, तो अभी तक बंगाली मूवी कितनी है? मेरी अभी तक की बंगाली फिल्म मैंने 3 की है। अच्छा, और नेपाली? नेपाली 4 की है। अच्छा, और भोजपुरी में तो मतलब बहुत ज्यादा, ऑडियंस को खुद ही नहीं पता हुआ कितने इनका फिल्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जितनी भी मूवी आने वाली है, मैं ही नहीं, हमारे भोजपुरी फिल्म के, भोजपुरी महफिल की पूरी टीम दुआ कर रही है कि जितनी भी फिल्म आपकी आने वाली है वो सुपर डुपर हिट हो और ऐसे ही पब्लिक आपसे प्यार करते रहे। बिल्कुल, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब इन्हीं की वजह से हूँ, इन लोग हमें इतना चाहते, इतना प्यार करते हैं, तो जो जहाँ पर भी आज मैं स्टैंड हूँ तो सब इनका है, मेरी माँ का दुआ है। मैं यही कहना चाहूंगी मेरी भोजपुरी महफिल देखने वाले लोगों को, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिएगा और ऐसे ही लव करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।